दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भगवान शिव अजन्मे हैं, लेकिन विष्णु पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार भगवान विष्णु के नाभि से कमलनाल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और भगवान विष्णु के माथे से भगवान शिव प्रकट हुए। लेकिन शिव जी को देख ब्रह्मा जी ने उन्हें पहचानने से मना कर दिया। तब भगवान शिव के रूठे जाने के भय से भगवान विष्णु ने ब्रह्मदेव को शिव जी का असली रूप याद करने को कहा, जिसके बाद ब्रह्मदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने शिव जी से क्षमा मांगते हुए उनको अपने पुत्र रूप में जन्म लेने का आशीर्वाद मांगा। और सृष्टि की रचना करते समय एक बालक की जरूरत पड़ने पर भगवान शिव ब्रह्मदेव के गोद से प्रकट हुए, परंतु वह बालक निरंतर रोए जा रहा था। तब ब्रह्मा जी ने उनसे रोने का कारण पूछा। तब उन्होंने बड़े मासूमियत से जवाब दिया कि उनका नाम ब्रह्मा नहीं है, इसलिए वे रो रहे हैं। इसलिए ब्रह्मदेव ने उसका नाम रुद्र रखा, फिर भी वह शांत न हुआ। ऐसे करते करते ब्रह्मदेव ने उन्हें 8 नाम दे दिए, जो कि रुद्र, सर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव है।